साथ इस समय जमुआ के विधायक केदार हाजरा जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है, लगातार तीसरा टर्म है आपका बतौर विधायक। फिलहाल जमुआ विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए, विकास की कौन कौन सी योजनाएं आम जनता के लिए और विधानसभा क्षेत्र के लिए हो रहे हैं? क्षेत्र में बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं और अभी कोरोना काल में लगभग 17 महीने से कोई भी विकास का काम राज्य सरकार जब से नई सरकार बनी है तब से विकास का काम बढ़ने पड़ा और अभी विधायक मद से जो कई सारी योजनाएं विकास से चल रहे हैं। प्रमुख रूप से कौन कौन सी योजनाएं अभी विधायक मद से चल रहे हैं? उसमें तालाब है, पीसीसी सड़क है, छोटा छोटा ग्रामीण क्षेत्रों में किया है ज्यादातर। कोरोना महामारी का अगर बात की जाए विधायक जी, तो आप ये बताएं कि जमुआ विधानसभा क्षेत्र में कोरोना महामारी की क्या वर्तमान स्थिति है? स्वास्थ्य सर्वे का जो कार्यक्रम था और दूसरी जो योजनाएं हैं सरकार की इस महामारी को लेकर के, कोरोना वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए, तो इन चीजों का क्या स्थिति है, क्या राय है आपकी? अपने स्तर से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता 30 तारीख को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के 7 साल पूरा हुआ दिन 30 तारीख को सारे कार्यकर्ताओं ने गांव गांव में जाकर के सैनिटाइजर और विटामिन सी विटामिन डी ये सारी गोलियां हम लोगों ने कैंप लगा करके जगह जगह पर हमारे यहाँ 7 मंडल में वितरण करने का काम किया। और अपने विधानसभा क्षेत्र में मिर्जागंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपने विधायक मत की राशि से 24 बेड ऑक्सीजन युक्त कोरोना केयर सेंटर में मैंने लगवाया है और संचालित है और निश्चित तौर पर वह अच्छा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो रहा है। कोरोना का वैक्सीन आपने स्वयं लिया है? जी, कितना डोज लिया है अब तक? अभी हमारा पहला डोज हुआ है, 1-2 दिन में दूसरा डोज का समय होगा। कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति आपके सामने है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से? विधानसभा ने पूरे राज्य की जो कोरोना की स्थिति है, वास्तव में पूरे देश कोरोना से भयभीत है और दूसरी लहर में वास्तव में देश के साथ संकट था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जिससे दिलेरी के साथ बुद्धिमत्ता के साथ इससे कोरोना महामारी में अपना भूमिका अदा किया है और दूसरी लहर को कंट्रोल करने में जो कामयाबी हासिल किया है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस विकट संकट में भी वैश्विक महामारी कोरोना में भी देश के साथ खड़ा रहा, जनता के साथ 130 करोड़ जनता के साथ खड़ा रहा और इनके हर दुख में साथ देने का काम किया और वैक्सीनेशन के काम में जो इन्होंने दिलेरी दिखाया भी भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता हर वैक्सीन केंद्र पर जाकर के, चाहे युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हो, महिला मोर्चा का कार्यकर्ता हो, सभी कार्यकर्ता वैक्सीन के लिए गाँव गाँव में जाकर के जगाने का काम कर रहा है ताकि सभी लोग वैक्सीन। हेमंत सरकार के अब तक के कार्यों पर आपकी राय? अभी तक का जो सरकार बनी है गठबंधन, अभी तक विकास का काम कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ये कोरोना का बहाना बना करके। अन्य राज्यों में भी कोरोना है लेकिन वहाँ भी विकास के काम चल रहे हैं, यहाँ पर विकास का कोई ऐसा काम मुझे नहीं लगता है हो रहा है अभी तक। तो नई बड़ी योजना हमारे विधानसभा में या राज्य के किसी भी विधायक क्षेत्र में राज्य के स्तर से बड़ा योजना, लगातार 3 टर्म विधायकी के आपको मिला, क्या आगे भी आप बतौर विधायक ही चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं या फिर आगे कुछ करने का इरादा है? अभी जो स्थिति है उस पर हम बात कर रहे हैं, भविष्य क्या होगा उस पर किसने देखा। अभी जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं राज्य का परिस्थिति अच्छा नहीं है, जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है, सरकार न वैक्सीन के व्यवस्था कर पा रही है। अभी भारत सरकार ने जो वैक्सीन दिया उसमें लगभग 37% वैक्सीन को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया। सरकार अपने स्तर से जो देश स्तर पर काम कर रही है, लेकिन बात अगर की जाए महंगाई की तो वो चरम सीमा पर है, हर क्षेत्र में महंगाई है, महंगाई जो बेलगाम है, इस पर आपकी क्या राय है? महंगाई पर हमारे सारे नेता लोग कह रहे हैं, तो कांग्रेस का अपना धंधा है महंगाई पर कुछ
आप विधायक हैं, भाजपा पार्टी के आपका दावा देता है, आप ये बताएं कि महंगाई जो है, खाद्य पदार्थों की बात हो, पेट्रोलियम पदार्थों की बात हो, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक महंगाई है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा बात समझिए, अभी खाद्यान्न मोदी जी ने अक्टूबर तक फ्री खाद्यान्न देने का काम किया, जो गरीब परिवार है उसको फ्री गेहूँ चावल मिल रहा है, तो जिसके पास गरीबी है उसके लिए सरकार को व्यवस्था की है। सरसों का तेल 200 प्लस हो गया, अतीत में कभी ऐसा हुआ नहीं था। पेट्रोलियम की तो भारत सरकार